हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें हम फिजिक्स का अगला चैप्टर, विमा के बाद वाला जो चैप्टर है, सरल रेखा में गति, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। बेसिक वीडियो होगी और इसमें बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बताया गया है, और ये बेसिक वीडियोज़ का पार्ट वन है। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गति मोशन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं क्या कि संसार में प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान अवस्था में रहती है। यानी कि संसार, इस वर्ल्ड में आप देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु, ईच एंड एवरी बॉडी, प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम देख सकते हैं, और अप्रत्यक्ष मतलब जिसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ देख नहीं सकते, रूप से गतिमान अवस्था में रहती है। वास्तव में समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को गति कहते हैं। तो देखो, सबसे ईजी इन्वर्टेड कॉमा वाली है क्या, कि वास्तव में समय के सापेक्ष में वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को गति कहते हैं। अब देखो, ये हमारे पेन रखा हुआ है यहाँ पे, अब हमने देखा समय के सापेक्ष। अभी देखो क्या हो रहा है, अभी एक सेकंड, अभी देखो मैं उठाऊँगा तो देखो एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड और पाँच सेकंड, अब ये यहाँ पे आ गई। तो देखो, समय के सापेक्ष हुआ, पाँच सेकंड लगे, और वस्तु की स्थिति बदलने की, देखो यहाँ से यहाँ आ गई। इस घटना को क्या कहते हैं, गति, क्योंकि ये देखो यहाँ से यहाँ आई है, तो किस कंडीशन में आई, गति में ही तो आई है। अब देखो यहाँ पर रख दिया, स्थिर हो गई, अब ये गति की अवस्था में आ गई, स्थिर हो गई, गति की अवस्था में आ गई, स्थिर हो गई, गति की अवस्था में आ गई। तो इसको बोलते हैं मोशन, गति की अवस्था। जैसे हमारा चलना, रेलगाड़ी का दौड़ना आदि, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गई गति। अब आता है दूरी। दूरी क्या होती है, जिसमें सबको डाउट रहता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, ये कोई वस्तु है ना, सब इसी से एग्जांपल ले लूँगा, चिंता मत करो। देखो ये वस्तु है, और ये यहाँ कॉपी के इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में, कोई निश्चित समय अंतराल ले लिया हमने, है ना, 10 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय की गई किसी मार्ग की लंबाई। ये हमारे पास मार्ग है, और इस मार्ग की लंबाई को मैं तय कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ, और मैं पेन को यहाँ ले आया। तो हुआ क्या, किसी वस्तु द्वारा, मतलब पेन द्वारा, एकांक समय अंतराल में, एक कोई समय अंतराल ले लिया हमने 10 सेकंड में, तय की गई किसी मार्ग की लंबाई। तो हमने ये लंबाई मार्ग की तय कर ली, तो ये क्या हमारे लिए मार्ग हो गया, और इसकी ये लेंथ है, और इसी लेंथ को क्या बोलेंगे हम, दूरी बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे हम, दूरी। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई किसी मार्ग की लंबाई या पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। देखा कितना ईजी है दूरी, और आप सब समझते हो इतना भाई बहुत बड़ी चीज़ है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और दूरी कैसी राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि आपको पता होनी चाहिए, है ना, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अदिश राशि कहलाती हैं। और सदिश राशियाँ जिनके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसका मात्रक होता है मीटर, है ना, और विमा होती है एल। अब देखो, यदि कोई कण बिंदु ए से प्रारंभ होकर बिंदु बी तक तथा इसके बाद सी पर पहुंचता है, पहले ए से प्रारंभ हुआ, बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, तो देखो यहाँ से कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, पहले ए बी चला, फिर बी सी चला, तो ए बी प्लस बी सी यानी कि 4 + 3 कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। तो कण द्वारा तय की गई दूरी ये हो गई हमारी, ठीक है। अब आता है विस्थापन। किसी वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या बोला उसने, किसी वस्तु के प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि ए तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखो, ए से कहाँ तक गया, वो सी तक गया था, तो ये हो गया प्रारंभिक बिंदु और ये हो गया अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, देखो देखो ए 4 चला था, ये 3 चला था, है ना, ये क्या चला था, 4 चला था और ये 3 चला था, लेकिन ये न्यूनतम नहीं हुई, ये शॉर्टकट नहीं हुआ। तो शॉर्टकट क्या होगा, ये ए से डायरेक्ट बी सी चला जाए, ए से डायरेक्ट कहाँ चला जाए, सी चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टकट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी कि प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। इसका मात्रक भी एम होता है, लेकिन इसकी राशि क्या होगी, सदिश, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, है ना, इसके पास क्या होती है, प्रॉपर डायरेक्शन होती है। देखो, ए से बी जा रहा था, फिर बी से सी जा रहा था, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन ए से सी के पास क्या, परफेक्ट एक डायरेक्शन है। तो देखो, इसलिए विस्थापन हमारा कैसी राशि होती है, सदिश। अब देखो, ये चित्र द्वारा कण का विस्थापन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी ए, और ए से सी, ए से सी कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, जबकि ये कितना था, 7 निकल के आई थी दूरी, तो दूरी जो थी वो हमारी 7 निकल के आई थी, और हमने देखा न्यूनतम कम से कम कितना होगा, 5 मीटर होगा, तो कम से कम 5 होगा। विस्थापन का परिमाण दूरी से छोटा अथवा इसके बराबर हो सकता है। देखो, विस्थापन का परिमाण हमने देखा, पहले दूरी 7 थी और ये 5 हो गया, अब दूरी से छोटा हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है भाई, है ना, अगर दूरी ही कुछ नहीं होता हमारे पास, ए से सी होता सिर्फ, और हम 5 मीटर जाते, और फिर हम क्या कहते हैं, विस्थापन तय कर लिया, और यही दूरी होती है एक तरीके की, तो हम कह सकते हैं परिमाण भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि वो न्यूनतम है।
विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, जबकि धुरी धनात्मक होती है। धुरी कैसी होती है? धनात्मक। धुरी धनात्मक होती है लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है, जब आगे चल के कार्य आएगा उसके बारे में मैं समझाऊंगा अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है बच्चों चाल। तो देखो चाल क्या है, चाल स्पीड होती है। तो चाल क्या होती है, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को हम वस्तु की चाल कहते हैं। क्या बोला हमने, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को, है ना, या फिर बोले एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, सबसे ईजी है देखो, है ना, कि एकांक समय में कोई एक निश्चित समय अंतराल उसमें तय की गई दूरी, जितनी दूरी चलेंगे वो क्या होगी, चाल होगी। यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी यानी कि ऊपर मीटर, बटे में समय यानी कि सेकंड। तो इसकी विमा क्या हो गई, LT की पावर -1 होती है, है ना। अब आता है औसत अथवा माध्य चाल। किसी गतिमान वस्तु द्वारा विभिन्न समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। भाई आपको पता है कुल औसत चाल निकालनी है, तो S बराबर क्या होगा, कुल दूरी और बटे में कुल समय होगा। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। बाकी देखो ग्राफ वगैरह तो हट गए कोर्स में से, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा। इसके बाद आप समझते हैं वेग को, ठीक है। इसके बाद वेग को समझते हैं, ध्यान समझना। वेग क्या होता है, कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे वस्तु का वेग कहते हैं, या फिर किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। आपने देखा चाल में और वेग में क्या अंतर है, कि चाल में क्या हो रहा था, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में तय की गई दूरी थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, तय किया गया विस्थापन हो गया। तो देखो वहाँ पर दूरी थी, यहाँ विस्थापन है, बस, है ना। यहाँ पर विस्थापन है तो ये कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। वहाँ पर दूरी थी वो कैसी हो गई, अदिश राशि हो गई। तो तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय, यानी कि इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होगा, और विमा क्या होगी, LT की पावर -1 होती है, और यह एक सदिश राशि है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब नेक्स्ट वीडियो में त्वरण बनाऊंगा और आगे चल के ग्राफीय विधि से आपके समीकरण बताऊंगा और कलन विधि से समीकरण बताऊंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बेसिक वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।